आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लातेहार पुलिस की एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पत्रकार विकास तिवारी पर गोली चलाने वाले दो अपराधियों सहित सुजीत सिन्हा और अमन साहू गैंग के लिए काम करने वाले चार अपराधियों को सोमवार को हथियार, गोली और चार पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि लातेहार सदर थाना के किनामाड़ से सुजीत सिन्हा और अमन साहू गैंग के तीन अपराधियों को चंदवा में आपराधिक कांड कारित करने के लिए जाते समय पकड़ा। इनके पास से लोडेड कार्बाइन, पिस्टल, मैगजीन, गोली और मोबाइल फोन बरामद किया गया। एक अन्य अपराधी को पिपरवार थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस की पकड़ में आए अनूप कुमार यादव और सकेंद्र उराव ने 22 फरवरी को रेलवे स्टेशन लातेहार के पास पत्रकार विकास तिवारी पर गोली चलाने की घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इन दोनों ने एक अन्य अपराधी बीरेंद्र उराव के साथ मिलकर 9 फरवरी को टोरी रेलवे साइडिंग में गोली चलाने की घटना में भी शामिल होने की बात स्वीकारी है। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। और दिनेश राम, ये तीन अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक कार्बाइन और चार पिस्टल ये पुलिस को बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इनके पास से कारतूस भी बरामद हुआ है, कई मैगजीन्स हैं वो भी बरामद किया गया, मोबाइल फोन जिसका प्रयोग इन अपराधियों के द्वारा किया जाता था इनका ये भी बरामद हुआ। सिकंदर उराव, ये दोनों विगत दिनों लातेहार के चंदवा थाना के टोरी रेलवे साइडिंग पर जो घटना अमन साह और सुजीत सिन्हा गिरोह के द्वारा की गई थी, उस घटना में भी ये लोग संलिप्त रहे हैं। तथा लातेहार के विकास तिवारी, इस पर भी फायरिंग की घटना हुई थी, इस घटना में भी ये दोनों ही अपराधी संलिप्त रहे। इन ये दोनों अपराधी अमन साह और सुजीत सिन्हा के मुख्य रूप से कहने पर कार्य किया करते थे तथा ये सारे हथियार भी उनके द्वारा ही उनको प्राप्त कराए गए थे। इनकी योजना ये थी कि इस क्षेत्र में और भी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। विगत दिनों में अमन साह की गिरफ्तारी हुई है और सुजीत सिन्हा पूर्व से ही जेल में है, तो इन लोगों को और किसी घटना को कारित करने का भी की जिम्मेवारी दी गई थी। इसके साथ साथ दोनों अपराधियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी दी कि पिपरवार का दिनेश भी इनके गिरोह का सदस्य रहा है और इसने भी वहाँ पिपरवार में कोयला व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना इन लोगों ने पूर्व से बनाकर रखी थी। इन अपराधियों के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उसमें भी बहुत सारा डिटेल्स हम लोगों को इनके गिरोह के बारे में और इनके कार्यशैली के बारे में पता चला है। इस पूरे गिरोह के खिलाफ हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं जिसमें पुलिस को ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सर, कितनी गिरफ्तारी हो, सब क्या क्या हथियार बताया मैंने, इसमें अनूप कुमार यादव, वीरेंद्र उरांव, सिकंदर उरांव और दिनेश राम, इन चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से अनूप कुमार यादव, वीरेंद्र और सिकंदर, ये तीनों लातेहार में जो घटनाएं विगत दिनों हुई थी चंदवा के टोरी में और लातेहार थाना क्षेत्र में विकास तिवारी पर फायरिंग की घटना, इन घटनाओं में संलिप्त रहे। और दिनेश राम के साथ मिलकर इन लोगों की पिपरवार क्षेत्र में भी घटना को अंजाम देने की योजना थी, उस संदर्भ में भी इन लोगों ने पूरा प्रयास किया है और पूर्व में भी उस संदर्भ में वहां भी एक कांड दर्ज हुआ है। इनके पास से एक 9mm का कार्बाइन, एक 9mm कार्बाइन की मैगजीन, चार पिस्टल, 9mm की गोली और अन्य सामग्री, मोबाइल फोन्स वगैरह बरामद हुए। इन लोगों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस पूरे कार्य में थाना प्रभारी लातेहार अमित कुमार गुप्ता और लातेहार थाना के अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अच्छी भूमिका रही है, जिसका जिसके हम लोग सराहना भी करते हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे।